नमस्कार, वेलकम टू एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। जिंदगी जीना भी एक आर्ट है। यस, ये एक बहुत बड़ा कला है कि आप अपना जिंदगी किस तरह जीते हैं। जब देश के लिए सेना में आप काम कर रहे थे, तब आपका जो काम करने का तौर तरीका था, जिंदगी को देखने का जो नजरिया था, वो कुछ अलग ही था। वो एक सैक्रिफाइस का लाइफ था। आज जब आप रिटायर हो चुके हैं या फिर रिटायर होने वाले हैं, तो फिर हम अपने जिंदगी को ऐसे जिएंगे, जिंदगी एक हसीन सा हो, जिंदगी में सारे रंग भर जाए, जिंदगी का जितना खुशियाँ हो वो हम खुद भी खुश रह पाए और हम दूसरे को भी खुश रख पाए। ऐसे काम करेंगे, ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसी प्रोग्रेस करेंगे जिसे दुनिया देखने वाले भी बोलेगा, वाह क्या जिंदगी जीता है। आज ऐसे ही कुछ 10 टिप्स जो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके बहुत लोगों ने देखा, ऐसे ही 10 टिप्स आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। देश के लिए, देश के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में कितना एडवर्स वेदर में हमने काम किया, कितना एडवर्स सिचुएशन को डील किया, जिंदगी का बहुत रंग देखे हैं। अब जिंदगी ऐसे जिएंगे जैसे आप चाहते हैं, जो आपका ड्रीम था, जिस ड्रीम को लेकर आप रिटायर हुए हैं, आपका जिंदगी का दूसरे इनिंग्स को आप शुरू करने जा रहे हैं, वो ड्रीम कैसे सक्सेस हो, कैसे आप एक सक्सेसफुल लाइफ डील कर पाए, कैसे आपका ये सेकंड इनिंग्स एक बहुत ही अच्छा बने, एक सपनों का दुनिया आप जो देखते थे सपने में वो हकीकत में कैसे लाएं, ऐसे 10 स्मार्ट लिविंग आइडियाज इस वीडियो में बताने वाले हैं। पर मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, और समय ना बिताते हुए अब देख लेते हैं कौन कौन सा वो 10 स्मार्ट लिविंग आइडियाज। सबसे पहले नंबर 1 जो आइडिया है वो है प्लान फॉर ए ब्राइट सेकंड इनिंग्स। यस, जब आप सेकंड इनिंग्स में पैर रखने जा रहे हैं या फिर आप पैर रख चुके हैं, तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम इसको, इस जिंदगी का ये जो सेकंड इनिंग्स है, करियर का जो हमारा सेकंड इनिंग्स है, इस इनिंग्स को कैसे कैसे सक्सेसफुल, कैसे रंगीन, कैसे कैसे ड्रीम लाइफ बनाए। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप चाहते क्या हो। सकता है आपका चाहत ये होगा कि आप गवर्नमेंट या फिर एक प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे ये सोचते होंगे कि जॉब तो बहुत कर लिया, अब अपना बिजनेस करेंगे, हम खुद अपना बॉस खुद बनेंगे, किसी के अंडर में नौकरी नहीं करेंगे। और आप में से बहुत लोग हैं अच्छे स्किल लेके आए हैं या फिर स्किल गेन कर रहे हैं अभी, जिसे कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। आप में जो स्किल है उस स्किल को आप अपने काम में लगाएं और वो आपका जिंदगी का एक ऑक्यूपेशन बनाएं, आपका करियर प्रोग्रेस में लगवाएं और आप इसी को अपना ऑक्यूपेशन बनाएं। या फिर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि सर्विस तो बहुत कर लिया, जिंदगी में कमाई बहुत हो गया, अब कमाई नहीं करना, सर्विस नहीं करना, बिजनेस नहीं करना, अब मुझे सोशल सर्विस करना है, जो जरूरतमंद है उनको हेल्प करना है, समाज में जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए कुछ करना है, समाज में इतने सारे कमियां हैं, समाज में इतने सारे वंटिंग है, यहाँ एजुकेशन का जरूरत है, यहाँ हेल्थ का जरूरत है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, नॉलेज नहीं है, लोगों के पास छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग इतना परेशान होते हैं, समाज में जो रीति रिवाज है, जो खराब रीति रिवाज है उसको सुधारना है, समाज में अच्छे वेब को फ्लो करना है,
समाज का सोच को बदलना है। अगर आपका सोच ऐसे है तो आप सोशल सर्विस आप अगर सोचे हैं करने के लिए तो मैं कहूँगा ये एक बहुत नोबल आइडिया है आपके लिए। पर हाँ, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इन सभी चीज़ों का साथ साथ हमारा परिवार भी सुरक्षित रहे, हमारा परिवार में किसी तरह का कोई समस्या पैदा ना हो। ये हमारा सेकंड इनिंग्स में जो हमें गवर्नमेंट का जो पेंशन सपोर्ट है उसे हमारा परिवार खुशहाली से चलना चाहिए, तभी आप ये फोर्थ ऑप्शन जो है इसको सोच पाएंगे। और इसी के साथ साथ आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो इन चारों में से कोई भी नहीं करना चाहते हैं, इन चारों में से कोई एक भी चूज आप नहीं करना चाहते हैं। आपने ऐसे सोचा कि ये जो रियल वर्ल्ड का सब कुछ तो हमने पा लिया, सब कुछ देख लिया, अब हम चलेंगे उस दुनिया में, हम स्पिरिचुअल डिवोशन में अपने आप को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो आपके लिए एक नोबल आइडिया है। आइडिया जो भी हो आप इनमें से जो भी कुछ करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं मैं टोटल रिटायरमेंट ले लूं, मैं इनमें से कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ पेंशन का पैसा लेके बैंक से पैसा ड्रॉ करना है और परिवार को पालना है, बच्चे को पालना है और बिल्कुल रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय करना है, तो भी आपने जो सोचा वो भी एक अच्छा ही चीज सोचे होंगे आप, क्योंकि आपका ड्रीम यही था। जब हमारा ड्रीम पूरा होने लगता है तो वो चीज हमारे लिए बेस्ट होता है। पर जो भी आपने सोचे हैं, आपने आज से आपका जिंदगी का जो बैड एक्सपीरियंसेस है उसको भूलना है, उसको कभी याद नहीं करना। जिंदगी का जो खराब समय आपका बीत गया वो खराब समय को बिल्कुल भूल जाना है आपको, बल्कि आपने जो मिस्टेक्स किया उस मिस्टेक्स से आपको लेसन लेना है, आपको सीख लेना है, ताकि जिंदगी में आगे बढ़ते समय आपसे ऐसे मिस्टेक कभी ऐसे ना हो। ये हमारा जिंदगी का एक बहुत बड़ी सीख होने चाहिए। और हमेशा आप अपना गुड मेमोरीज को रिकॉल कीजिए, जो अच्छे समय आप बिताया, आप जब फौज में थे उस समय आपका सर्विस करियर में जो अच्छे समय आपने बिताया उसको आप रिकॉल करें। दोस्तों का साथ, अपने परिवारों का साथ इसका चर्चा करें। नंबर टू है गेन नॉलेज एंड Pursue education for better livelihood and professional excellence। जैसे कि मैंने पांच ऑप्शन आपको दिखाया है, ये पांच ऑप्शन में से कोई भी आप चूज करते हैं तो उसके लिए आप अपने आप को इम्प्रूव करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का आपको जरूरत है, क्योंकि आप जब फौज में गए थे आप बहुत कम उम्र में गए थे और उस समय आपको फौज का ड्यूटी में आपने जिस तरह अपने आप को डेडिकेट किया, वहाँ बाहर के दुनिया का जो जिस तरह का नॉलेज को जरूरत है, इस तरह का नॉलेज आपको हो सकता है पूरा नहीं मिल पाया हो। अगर इस दौरान आपने कुछ अचीव किया फौज का नौकरी करते करते तो वो तो आपके लिए एडेड एडवांटेज है ही, अगर नहीं किया तो अभी समय है, आपको नॉलेज गेन करना है, आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो वो क्वालिफिकेशन आपको गेन करना है। ये सिर्फ आपका आपको नौकरी पाने के लिए नहीं चाहिए, ये आपको बेटर लेवलीहुड के लिए चाहिए। आपको चीज़ों को जानना है, समझना है, देखना है, आपको लॉजिक को समझना है, ये सब के लिए आपको नॉलेज गेन करना है, दुनिया के बारे में जानना है। और आफ्टर ऑल आप अगर किसी भी प्रोफेशन में जाए, प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए आपके पास नॉलेज एंड एजुकेशन ये होना तो बहुत ही जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत अच्छा कोट्स है जो आप पहले सुने होंगे, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। कभी भी अगर आप नॉलेज पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देता है। अगर हम जिंदगी का मैथमेटिक्स के बारे में सोचते हैं, जिंदगी का हिसाब हम मिलाना चाहते हैं, तो हम वही चाहते हैं
वही करते हैं जिसे हमें बेस्ट रिटर्न मिले, तो वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपका नॉलेज। अगर आप नॉलेज पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेस्ट रिटर्न मिलेगा। द ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा, द रूट्स ऑफ एडुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। हम कभी भी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब गेन करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे परेशानियां उठानी पड़ती है, पर जब आप वो डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, वो नॉलेज आप गेन कर लेते हैं, तो वो जो फ्रूट होता है वो बहुत ही मीठा होता है। वो आपका जिंदगी को, जिंदगी में मीठापन लेके आता है। और महात्मा गांधी जी ने कहा, लिव एज इफ यू वेयर टू डाई टूमोरो, लर्न एज इफ यू वेयर टू लिव फॉर एवर। आप ऐसे जियो जैसे कि हमारा कल का दिन आखिरी दिन हो। जिंदगी को ऐसे जीना है, और जिंदगी में आप ऐसे सीखो जैसे कि आप कभी मरेंगे ही नहीं, ऐसे सीखो। हम में से बहुत लोग हैं जो सोचते हैं अभी तो उम्र बहुत हो गया, अब क्या सीखना है, अब सीखने का उम्र कोई थोड़ी है। पर देखिए, आप अगर इतिहास पलट कर देखेंगे, जो महामानव है वो जिंदगी भर सीखते रहे। आज के डेट में जो आज के दुनिया में जो दुनिया का माने हुए लोग हैं, वो सब लोगों का एक हॉबी है जिंदगी का। बिल गेट्स जैसे लोग हैं, वो भी दिन में कम से कम 6 घंटा समय किताब पढ़ के बिताते हैं। आपके लिए अभी तो बहुत सारे एजुकेशन का सुविधाएं हैं, जैसे कि सभी स्टेट्स में ओपन यूनिवर्सिटीज अब खुला गया। आप अपने लैंग्वेज में, आप यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री जो आपको पसंद है, आपका नौकरी के लिए, आपका प्रोफेशन के लिए, या फिर आपका अपना अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, जो भी पर्पज हो, आप अगर डिग्री करना चाहते हैं, एडुकेशन हासिल करना चाहते हैं, नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और बहुत ही हाई क्वालिटी का एडुकेशन सिस्टम जहाँ पे फॉलो किया जाता है, वहाँ से इग्नू से बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो नॉलेज इम्पार्टिंग कोर्सेस हैं, वो सारे कोर्स में आप अपने ज़रूरत के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। और स्वयं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है जहाँ पे एडमिशन लेने के लिए किसी तरह का कोई फॉर्मल एडुकेशन का ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल आपके अंदर अगर इंटरेस्ट है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इस कोर्स में ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, और आप अपना नॉलेज हासिल कर सकते हैं, डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ना तो कोई फॉर्मल एडुकेशन का ज़रूरत है, ना ही कोई फॉर्मल क्लास करने का ज़रूरत है। आपके पास अगर ये एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई खास टेक्निकल या प्रोफेशनल एडुकेशनल कोर्सेज चाहिए, तो बहुत सारे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो इस तरह का कोर्स रन करते हैं, और वहां जाके आप सीख सकते हैं। सीखने का कोई उम्र होता ही नहीं, आप सीख सकते हैं। मॉडर्न जमाने का साथ साथ आपको अगर चलना है तो आपको सीखना पड़ेगा। वेब डिजाइनिंग सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, फ्रीलांसिंग सीखिए, ऐसे भी सीखिए। देखिए, आप अपना प्रोफेशनल जो एडवांसमेंट है, आप कहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन डिजिटल दुनिया में जीना है तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। जो भी हो, सीखते रहिए, हंसते रहिए, और अपने आप को मेंटेन रखिए। नंबर 3, मेंटेन ए गुड हेल्थ। आप कुछ भी करें, आपका हेल्थ ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम सर्विस में थे तो फिजिकल एक्टिविटीज़ रोज का एक हिस्सा था हमारा, पर जो रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, ज़्यादातर लोगों के पास समय होता ही नहीं फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर हम महात्मा गांधी जी का बात पर गौर करें, उन्होंने कहा था, इट इज़ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आपका स्वास्थ्य ही रियल संपत्ति है, वो गोल्ड या सिल्वर का
जो पीस है वो रियल वेल्थ नहीं है, आपका हेल्थ ही आपका रियल वेल्थ है। सो फ्रेंड्स, अगर हम अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखना है तो आपको ये दिए गए कुछ बातों पर ध्यान देना ही है। सबसे पहले आपको 5 बजे से पहले उठना है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, अर्ली राइज एंड अर्ली टू बेड। इसे आपको दिन भर काम करने के लिए शक्ति मिलेगा। आपको 5 बजे उठने के बाद रेगुलर कम से कम 20 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करना है ओपन एयर में। आपको योगा एंड मेडिटेशन रोज प्रैक्टिस करना है। आपको खाना है केवल मात्र हेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड कभी भी मत खाइए। और आपको समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराना, मोटे तौर पे आपका ब्लड शुगर का लेवल, आपका बीपी लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सारी चीजें जो है, और भी जो भी हमारा हेल्थ रिलेटेड चीजें जो रूटीन चेकअप करना चाहिए वो सारे चेकअप करवा लेना चाहिए। और आफ्टर ऑल आप कभी भी तंबाकू नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अपना हेल्थ ठीक रखने के लिए, अपने परिवार के लिए आज ही छोड़ दीजिए, और लिक्विड तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। जैसे पहले ही मैं बताया था कि अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड इज गुड फॉर हेल्थ। सो फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे से पहले आपको बिस्तर पे जाना ही है। और हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिए, आज के जमाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास, हमारे लिए, वो है मोबाइल फोन। अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल फोन को लेके हम बेड पर जाते हैं। ये कभी भी आप मत कीजिए। देखिए, मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी, ये जो स्क्रीन है इसे एक ब्लू रे निकालता है, वो रे हमारा नींद के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसलिए कम से कम बिस्तर पर जाने से 1 घंटा पहले जरूर आप मोबाइल फोन को अपने आप से दूर रखिए, ताकि आपका नींद ठीक से हो पाए। और नेक्स्ट है, रिमेन स्ट्रेस फ्री। जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, पर हर बात पर अगर हम स्ट्रेस लेते रहेंगे तो आफ्टर ऑल रिजल्ट होगा क्या? कोई फायदा तो आपको होगा ही नहीं, पर बहुत सारे बीमारियां आपके लिए फ्री में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए स्ट्रेस फ्री रहने का। स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन का सोचिए। जब भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है, कभी भी आप स्ट्रेस मत लीजिए, प्रॉब्लम पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए सॉल्यूशन पर। एंड द नेक्स्ट नंबर 4, डेवलप रीडिंग हैबिट। देखिए, बुक्स जो है स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। अगर हम ये सोचे कि किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में हमने बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ किए हैं, ये बहुत है। जो लोग किताब नहीं पढ़ रहे क्या वो इंसान नहीं है? हाँ, इंसान तो सभी है, पर आप जानते हैं किताब क्यों पढ़ते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए, किताब होता क्या चीज? एक किताब जब कोई राइटर लिखते हैं तो उनका जिंदगी का 20-30 साल का जो एक्सपीरियंस है वो उस किताब में होता है। आप सोचिए, अगर आप 10 भी किताब पढ़ लिए ऐसे, तो कितना आदमी का एक्सपीरियंस आप ले लिया, कितने सालों का एक्सपीरियंस आपके पास आ गया? 10x30 मान लीजिए 300 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास आ गया। आप अपने जिंदगी में वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको 300 साल तक जीना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करूंगा आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, कम से कम आपको मैं 20 बेस्ट बुक्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बुक्स मैं सजेस्ट करूंगा। ये किताबें आपको जिंदगी में पढ़ना ही चाहिए, और ये सारी किताबें आपको हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में तो मिलता ही है, और कुछ इंडियन लैंग्वेजेस में भी ये किताबें अवेलेबल है। जहां तक मुझे पता है ये सारे बुक्स बंगाली में तो है ही, तमिल में है, मलयालम में है, और भी कुछ लैंग्वेजेस में हो सकता है, ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा।
ये सारी किताबों के बारे में आप अगर आपको जानना है तो इनका जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ क्लिक करके एक एक बुक्स का बारे में आप जान सकते हैं और वो बुक्स कहाँ मिलेगा, क्या प्राइस है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे गाइड है, आप वहाँ जाके आप खरीद भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं वो कौन कौन सा वो बुक्स है। सबसे पहले जो बुक्स है, द एल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो, द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कवी, द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट फियल, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड जे श्वार्ट्ज, अवेकन द जायंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मॉर्फी, 5 AM क्लब बाय रोबिन शर्मा, हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रोबिन शर्मा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर, यू कैन विन बाय स्टीव खेरा, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस कैल्सन, एज अ मैन थिंक इट बाय जेम्स एलन, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, माइंडसेट बाय कैरोल एस ड्वेक, एंड द मोस्ट इफेक्टिव बुक फॉर आवर लाइफ इज श्रीमद् भगवद गीता। ये आप अगर अपना मदर टंग में पढ़ेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, कीप योर आईज ओपन, स्टे ऑलवेज अपडेटेड। दुनिया हर वक्त बदल रहा है, आपने देखे होंगे। अब जब आर्मफोर्सेस में ज्वाइन किया था उस समय का आपका गांव, आपका शहर जिस तरह का था, आज आप जब रिटायर करके वापस आए हैं वो उसी तरह नहीं रहे। बहुत सारे चेंजेस आ गया, चेंजेस आप में भी आया, हम में भी आया। चेंजेस इस दुनिया का नियम है और चेंजेस आते रहेंगे, पर हमें ये सारे चेंजेस के बारे में, सारे डेवलपमेंट के बारे में, सारे एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। अगर नहीं जानेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमें अपना आंख कान खुला रखना है और अपने आप को हमेशा हमेशा अपडेटेड रखना है। इसके लिए क्या करना है, 5 पॉइंट है। सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेटेड न्यूज चैनल से ही केवल न्यूज देखना है। कोई भी चैनल आपने खोल लिया, न्यूज देख लिया, इस तरह का नहीं करना। अब जो ऑथेंटिकेटेड चैनल है, जैसे लोकसभा चैनल है, राज्यसभा चैनल है, डीडी न्यूज है, ये सब जो गवर्नमेंट चैनल होते हैं जो ऑथेंटिकेटेड है, वो आपको देखना है। यहाँ पे न्यूज एनालिसिस होता है, यहाँ पे देश के बारे में, दुनिया के बारे में बहुत सारे एनालिसिस आता ही रहता है। ये सारी चीजें आपको जरूर देखना है। इंटरटेनमेंट तो लाइफ में है ही, इंटरटेनमेंट चैनल आप जरूर देखिए, पर ये सब भी देखना मत भूलिए। नेक्स्ट है, आज हरेक का हाथ में मोबाइल फोन है। अगर स्मार्टफोन है तो आप यूट्यूब चैनल तो देखते ही होंगे। यूट्यूब में क्या नहीं मिलता है आपको, अच्छे भले हर चीज आपको यहाँ मिल जाता है, पर आपको हर चीज को देखने का जरूरत नहीं है। आप वही देखिए जो रिलायबल है, जो ऑथेंटिकेटेड है, बाकी चैनल को मत देखिए, वहां से आप मिसगाइड होते जाएंगे। जो इंफॉर्मेशन आपको जानना है वहां से आप डाइवर्टेड हो जाएंगे। इसलिए जैसे PIB यूट्यूब चैनल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इंडियन आर्मी का ADG PI इंडियन आर्मी चैनल है, DRDO का यूट्यूब चैनल है, इस तरह का जो रिलायबल चैनल है, जो ऑथेंटिकेटेड चैनल है। एक सर्विसमैन के बारे में अगर कोई भी न्यूज देखना है तो जो ऑथेंटिकेटेड चैनल है, जो चैनल आपको लगता है कि हाँ ये देखना चाहिए, इनमें से मेरा खुद का जो चैनल है वो भी मैं सजेस्ट करता हूँ। मैं अपने चैनल में कभी भी कोई भी अनऑथेंटिकेटेड चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ। जो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है, रियल है,
वो ही नॉलेज मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। दूसरा, वेबसाइट्स। देखिए, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप गूगल में कुछ ना कुछ तो सर्च करते ही होंगे, पर अगर आपको एक सर्विसमैन के बारे में जानना है, आपका पेंशन के बारे में जानना है, आपका रिटायरमेंट का या फिर सर्विस इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में कोई भी चीज़ें आपको जानना है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि कौन सा 20 वेबसाइट्स है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, नीचे आप क्लिक करके देख लीजिए कौन सा वेबसाइट आपको रेगुलर देखना चाहिए। महीने में कम से कम एक बार तो आपको देखना ही चाहिए। न्यूज़पेपर हम सब पढ़ते हैं, पर न्यूज़ आइटम क्या पढ़ना है? कोई भी न्यूज़ आइटम देख लिया, उसको पढ़ लिया, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। इससे आपका समय तो बर्बाद होता ही है, आपका जो थिंकिंग है वो भी डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए पढ़िए वही न्यूज़पेपर जो रिलायबल है, और न्यूज़ आइटम भी जो रिलायबल सोर्स से मिला हुआ है वही न्यूज़ आइटम पढ़िए। फालतू का जो न्यूज़ होता है उस पर कभी भी ध्यान मत दीजिए। पीरियडिकल्स पढ़िए अपने आप को अपडेट रखने के लिए, द वीक जैसे है, फ्रंट लाइन जैसे है, इस तरह का जो इंडिया टुडे है, इस तरह का जो अच्छे मैगजीन्स है वो मैगजीन आप पढ़िए। सैनिक समाचार है वो पढ़िए, और भी बहुत सारे मैगजीन्स है जो आपका पसंद का होगा, मार्केट में मिलता है। ऐसे जो अच्छे मैगजीन्स है, कम से कम एक दो मैगजीन तो रेगुलर पढ़ना ही चाहिए। और इसी के साथ साथ जैसे आप अपने आप को अपडेट रख रहे हैं, ऐसे अपने आप को कनेक्टेड भी रखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, स्टे कनेक्टेड विथ योर फ्रेटर्निटी। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपका प्रीवियस कैरियर, आप जहाँ भी थे, इंडियन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स या फिर कोई भी सिविल ऑर्गेनाइजेशन में थे, जहाँ भी थे, वहाँ के जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ आपने काम किया, समय बिताया, उनके साथ वहाँ का जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के साथ अपने आप को जोड़ कर रखिए, कभी अलग मत होइए। इसलिए आप अपना फ्रेटर्निटी के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए। बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स आपको मिलेगा एक सर्विसमैन का, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वहाँ अपने आप को आप इन्वॉल्व कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 7, शेप द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रेन। जिंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं, अल्टीमेट सक्सेस हमें तभी मिलता है अगर हमारा बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो, बच्चे ठीक से सेटल हुए हो, बच्चों का एडुकेशन ठीक से मिला हो, तभी हमें ये फीलिंग आता है, हाँ मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। सो फ्रेंड्स, हमें इंश्योर करना है कि हमारा बच्चों का जो भविष्य है वो ब्राइट होना चाहिए। कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले बच्चों को ठीक ठाक एडुकेशन देना है, और जब एडुकेशन ठीक ठाक मिलता है तो उनका जो फ्यूचर है अपने आप अच्छा होते जाता है। और सिर्फ फॉर्मल एडुकेशन ही नहीं, उनको घर पर भी आपको सोशल एडुकेशन देना है, कैसे लोगों से बिहेव करना है, कैसे मुश्किल समय पर कैसे उस मुश्किल घड़ी को टैकल करना है, वो सारी चीज़ें आपको बच्चों को सिखाना है। बच्चों को संस्कार ई देना जो कहते हैं, यही है संस्कार, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखना। और सिर्फ बच्चों का एडुकेशन ही नहीं, घर में और भी जो लोग हैं उनके साथ उनका जिंदगी जिससे कि खुशहाल रहे, इसके लिए आपको बच्चों का साथ, फैमिली का साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्वालिटी टाइम होता क्या चीज़। देखिए, जब हम फौज में थे तो हमेशा अपने काम से हम बिजी रहते थे, फिर जब रिटायर होके आए तब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो समय मिलना आज की दुनिया में बहुत ही मुश्किल है। फिर भी आपको समय निकालना है, बच्चों के साथ बैठ के बातें करना है, उनके साथ बैठ के मूवी देखना है, उनके साथ बैठ के गेम खेलना है, ये सारी चीज़ें आपको करना है। कभी कभी आपको बाहर घूमने के लिए भी उनके साथ जाना है। ये सारी चीज़ें आप अपना जिंदगी से अलग नहीं कर सकते हैं। इसे बच्चों को, फैमिली को खुशियाँ मिलेगी, और वो खुशियाँ जो है आपका जिंदगी में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और बच्चों का खुशी के साथ साथ आप अपना खुशी को, हैप्पीनेस है, उसको भी कभी मरने मत दीजिए। देखिए, हर इंसान के अंदर
एक आर्टिस्ट छुपा हुआ रहता है। आपके अंदर भी ऐसे बहुत सारे क्रिएटिविटी है। हो सकता है कि सोसाइटी, कल्चर एंड आपका करियर, ये सारी चीज़ों का कारण अब तक वो क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ पाया। पर आज ये समय है जब आप सेकेंड इनिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो आप अपने करियर का साथ साथ अपने क्रिएटिविटी को भी एक्सप्लोर कीजिए। आप सोच रहे हैं ये होता क्या चीज़ क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करना। देखिए, आपके अंदर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक गुण तो जरूर होंगे, एक क्वालिटी तो जरूर होंगे जो बाकी लोगों से अलग करता है आपको। जैसे कि हो सकता है कि आपको गाना गाना बहुत अच्छा आता होगा, अच्छा लगता होगा, तो आप गाना गाइए, कोशिश कीजिए अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। आप पेंटिंग में आपका इंटरेस्ट होगा या इस तरह का और किसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा, वो जो इंटरेस्ट का जो आपका साइड है उसको आप डार्क मत रखने दीजिए, उसको आप अपना ज़िंदगी का ब्राइट साइड में लाने का कोशिश कीजिए। और 10th लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। हाँ, अपने ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना है, बच्चों को भी खुश रखना है, और आपका जो हॉबीज़ है उसको भी आपको डेवलप करना है। इस सभी चीज़ों का साथ साथ एक चीज़ आप मत भूलिए, ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, आप क्यों आए हैं इस धरती पर। अगर ये सारी चीज़ें आपको जानना है, अल्टीमेट पीस अगर आपको पाना है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी का आखिरी दिन तक इंतज़ार करना है। आप अभी, आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जिस किसी भी प्रोफेशन में हो, जहाँ कहीं भी बिजी हो, चाहे आप प्रोफेशन में हो या सोशल सर्विस में हो या किसी बिजनेस में हो, जहाँ कहीं भी हो, हर चीज़ों के साथ साथ आपका अपना स्पिरिट को भरने मत दीजिए। आप समझिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, हमारे जो ऑलमाइटी क्रिएटर है उनको समझिए, और अपना स्पिरिचुअल जो डिज़ायर है, आपका जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसको जानने के लिए आप हमेशा तत्पर रहिए। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में ये जो 10 पॉइंट मैंने बताया, ये तो समंदर में से कुछ ही पत्थर को हमने चुन के लाए, पर समंदर में बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारे डायमंड्स हैं, उसको तो आप ही निकाल सकते हैं। उसको निकालने का जो क्षमता है, हो सकता है भगवान ने आपको पूर्ण तरह से दिया होगा। सिर्फ करना क्या, आपको अपना इंटरेस्ट ग्रो करना, आपको सोचना है एक बार बैठ के कि आप चाहते क्या हो, और आपका जो चाहत है उसके लिए आपको करना क्या है। बस इतना अगर आपने सोच लिया और आपने ठान लिया, तो आपको ज़िंदगी में हर खुशियाँ मिलेगी। आज का ज़माना में पढ़ना भी है, आगे भी बढ़ना है, और बच्चों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यस, इसी प्रॉब्लम का एक सलूशन लेके आए हैं बच्चों के लिए, वो है साइंटिफिक मॉडर्न मेमोरी टेक्निक। जिस टेक्निक को यूज करके बच्चे बहुत आसानी से एक बार पढ़ के याद रख सकता है, और ऐसे पढ़ेंगे जो कभी भूलेंगे नहीं। ऐसी कुछ टेक्निक्स है जिसके बारे में बताया गया हमारा यूट्यूब चैनल वंडर मेमोरी चैनल में। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए वंडर मेमोरी, और हमारे चैनल में दिए गए सारे वीडियोस को देखते रहिए, जहाँ पे आपको मिलेंगे साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक, जिसको यूज करके बच्चे ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट। और ऐसी एक टेक्निक है जहाँ जो कि सीख के बच्चे एक बार पढ़ के कोई भी चीज़ हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको याद रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए ओल्डर मेमोरी यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे आगे। अगर आपको इस 10 पॉइंट में किसी भी एक पॉइंट या दो पॉइंट या कोई भी पॉइंट का ऊपर स्पेशल एक अलग से वीडियो चाहिए, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कौन से टॉपिक पे अलग से वीडियो चाहिए, ताकि उसको मैं विस्तार से क्लैरिफाई कर सकूं। आज के लिए इतना ही। वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।